गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इट्स अवर कंप्यूटर क्लास, लेट्स स्टार्टेड। बेटा आज हम अपना थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 27 पे, रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर। हमने पहले फाइल की ओपनिंग क्लोजिंग की थी, इसके बाद हम जो आज है इसकी रीनेम करेंगे। फाइल को नेम को चेंज कैसे करना है वो जानेंगे। रीनेम मीन्स द टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम टू अ फाइल और फोल्डर। फाइल का जो पहले का नेम है या फोल्डर का जो पहले का नेम है उसको चेंज करना, उसको बोलते हैं बेटा रीनेम। टू रीनेम एनी फाइल फोल्डर, रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर फाइल फोल्डर। जो भी आपने फाइल फोल्डर पे जिसका नाम चेंज करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। जो शॉर्टकट मेन्यू आ रहे हैं वहाँ से आप क्या करोगे, रीनेम को सिलेक्ट करेंगे। द फाइल फोल्डर नेम विल बी हाईलाइटेड, ये हाईलाइट होगा जो भी आपका पहले का नेम है, जैसे ये हाईलाइट होगा। नाउ टाइप अ न्यू नेम टाइप यू विश टू गिव टू फाइल फोल्डर। अब आप जो भी नेम रखना चाहते हो चेंज करके वो रख लो, और उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपकी फाइल का नेम है जो वो रीनेम हो जाएगा। ऐसे आपने करना है फाइल का नेम चेंज, जो पहले का नेम है उसे चेंज करके न्यू नेम देने को बोलते हैं हम रीनेम। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कैसे यूज़ करते हैं, वी कैन व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन। जब आप किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करते हो अब पॉप अप मेन्यू अपीयर्स। आपके पास क्या आता है, पॉप अप मेन्यू अपीयर होता है, कुछ डिस्प्ले होने लगता है, विच इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यूजिंग दिस पॉप अप मेन्यू यू कैन सेव योर टाइम्स टू एक्सेस कमांड्स। आपके कमांड्स को ईजिली दे सकते हो, वहाँ से आपका टाइम सेव होगा। राइट क्लिकिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड। राइट क्लिक करने से क्या करता है, डिफरेंट एरिया एंड ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले डिफरेंट सेट्स। ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपके पास डिफरेंट सेट्स की कमांड रख देता है, उसमें आपने कमांड चूज करनी है और फॉलो करनी है। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ शॉर्टकट मेन्यू। इसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू, क्योंकि ये आपका टाइम सेवर होता है, आपका टाइम बचाता है, आप जल्दी भी किसी काम को एक्सेस कर सकते हो। आपने रीनेम करना है, राइट क्लिक किया यहीं पर ऑप्शन आ गई, लेकिन आप अगर विंडो में ऊपर बार्स में जाके क्लिक करोगे तो आपको टाइम लगेगा, यहाँ से आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। राइट क्लिकिंग टू द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। जब आप खाली एरिया में राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है, व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप यू विल फाइंड अ मेन्यू विद द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। जब आप ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करते हो तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन की लिस्ट आ जाती है। द पर्सनलाइज ऑप्शन कैन बी सीन एट द बॉटम। आप क्या करते, आपने क्या करना है, आपके बॉटम में पर्सनलाइज ऑप्शन है जो बॉटम में शो हो रहा है उसे सेलेक्ट करना है। यू कैन पर्सनलाइज ऑप्शन और यू कैन चेंज द बैकग्राउंड। इसमें आप टिक करके बेटा क्लिक करके क्या कर सकते हो, आपका जो चेंजेस है बैकग्राउंड है आपके डेस्कटॉप का, इसकी सेटिंग, डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, मेन्यू, मैसेज बॉक्स, फ्रंट कलर एक्सेट्रा, ये सभी कुछ आप चेंज कर सकते हो पर्सनलाइज में जाकर। एंड कैन गिव आल्सो गिव वेरियस विजुअल इफेक्ट्स टू देम। और काफ़ी सारे इफेक्ट्स आप में इसमें डाल सकते हो अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। राइट क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी आपका आइकन है उस पर राइट क्लिक करने से क्या होता है, व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप। जब आप आइकन पे राइट क्लिक करते हो यू विल फाइंड एन एंटरली डिफरेंट मेन्यू। आप क्या करते हो, डिफरेंट मेन्यू आपको फाइंड होता है। द प्रॉपर्टीज ऑप्शन विल बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ दिस लिस्ट। जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन है वो इस लिस्ट की जो भी डिटेल है वो आपको शो करेगी। वट इज़ अ शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है इसके बारे में जानते हैं। शॉर्टकट इज एन आइकन दैट प्रोवाइड द इजी एंड क्विकली मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी यूज़ फ्रीक्वेंटली। शॉर्टकट मेन्यू क्या है बेटा, ईजिली आप किसी भी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, ईजिली उसको ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, उसमें कुछ भी काम कर सकते हो। देयर इज स्मॉल जंप एरो प्रेजेंट टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू द शॉर्टकट आइकन। ये क्या होता है, जो आपकी टास्क बार होती है वहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट कॉर्नर में एक शॉर्टकट सा बना होता है, वहाँ पे आप इजीली अपने एरो से जंप कर सकते हो। डबल क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट आइकन विल ओपन फाइल और प्रोग्राम इट रिप्रेजेंट। डबल क्लिक करने से जो भी फाइल फोल्डर है वो आपको रिप्रेजेंट ये करेगा। क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, शॉर्टकट आइकन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए बनाना है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विच टू द स्विच साइट एंड देम
देन प्लेस द कर्सर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम। और आपने कहाँ पे जाना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे। राइट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पॉपअप मेनू अपीयर सेलेक्ट ऑन द सेलेक्ट सेंड टू द ऑप्शन। और आपने यहाँ से कहाँ पे जाना है? सेंड ऑप्शन पे। यू विल फाइंड अनदर कास्केडिंग मेन्यू, एक और मेन्यू आपके पास शो होगा। नाउ क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और आपने वहाँ से क्या चूज़ करना है उसको, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन। ये यहाँ से डेस्कटॉप करने से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अ शॉर्टकट आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप विद द जंप एरो इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। और लोअर लेफ्ट कॉर्नर से आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जंप करोगे। डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन, ओपन द एप्लीकेशन डायरेक्टली। और जब आप शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो जाएगा। ये था बेटा आपका चैप्टर थर्ड, जिसमें आपने फाइल की ओपनिंग की, रीनेमिंग की, फाइल फोल्डर की, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, उनका शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम जंप कर सकते हैं, ये सभी हमने जाना है। एक बार हम रीकैप कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या किया? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। विंडोज 7 इज़ी टू यूज़ एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 क्या है? ईजी टू यूज़ एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। द डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। स्मॉल ग्राफिक्स और सिंबल डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन, जो छोटे छोटे बॉक्स स्क्रीन पे शो होते हैं उन्हें आइकन बोलते हैं। द कंप्यूटर फोल्डर डिस्प्ले द कंटेंट टू द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, CD, DVD, एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच एज पेन ड्राइव। जो कंप्यूटर के फाइल फोल्डर्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपकी फाइल में, फोल्डर में, हार्ड डिस्क में, जो भी होता है आपकी फाइल फोल्डर में, वो आपके हार्ड डिस्क में, CD में, DVD में और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। यूजिंग कंप्यूटर फोल्डर वी कैन चेंज मैनेज द एक्सेस टू ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो भी आपकी कंप्यूटर में फाइल फोल्डर स्टोर है उनको आप मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ऑल फाइल कलेक्शन रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर और सम स्टोरेज डिवाइसेस। जो फाइल की कलेक्शन होती है उनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, वो कहाँ पे स्टोरेज होती है? आपकी स्टोरेज डिवाइस में। ईच फाइल अ फाइल नेम विच हेल्प टू फाइंड द डिजायर फाइल। आपकी फाइल का अलग अलग नेम होना चाहिए जिससे आप इजिली आपकी फाइल को, जो आपकी एक डिजायर फाइल है उसको आप चूज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज लाइक अ फाइल कंबाइनड वेयर वी कीप रिलेवेंट फाइल। एक फाइल से रिलेटेड दूसरी फाइल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके रखना उसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डर। अ शॉर्टकट आइकन प्रोवाइड अ ईजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। शॉर्टकट आइकन क्या करता है राजी? इससे आप ईजी किसी भी आइकन को, एप्लीकेशन को आप ईजिली एक्सेस कर सकते हो, उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। यूज़ फ्रिक्वेंटली, आप ईजिली अपने फ्रेंड की तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। इट हैज स्मॉल जंप एरो एट इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। कहाँ से जाके आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर से जंप करके वहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी ब्रेन एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।